और गाइस क्या हाल चाल है आपके, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो गाइस हम लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो शेयरिट का यूज़ किया ही होगा फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, या किसी चीज़ के लिए भी हमने तो शेयरिट का यूज़ किया ही होगा, मैंने आप सब ने तो। लेकिन हम और आप सभी जानते हैं कि शेयरिट का काम तो हो चुका है तमाम, चाइनीज ऐप होने के नाते इसका काम इंडियन गवर्नमेंट ने तमाम कर दिया है। लेकिन अब इसी को देखते हुए बहुत सारे कंपनियों ने बहुत सारे शेयरिट का क्लोन ऐप, मतलब जो से सो नाम देखें शेयर टू शेयर मी करके बहुत सारे प्ले स्टोर पर ऐप आ चुके हैं जो कि थर्ड पार्टी है, हमारे मोबाइल के लिए सेफ नहीं है। अगर उसको आप इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे ऐड दिखाएंगे, आपका डाटा जो है मोबाइल का वो रिस्क पे है, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी गलत हो सकता है हमारे साथ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गूगल प्ले ने एक बहुत ही बड़ा चेंज किया है, एक अपडेट देकर अपने सेटिंग्स में। तो इसी अपडेट को हम जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल प्ले ने अपने ऐप में एक रिसेंटली ऐसा चेंज, अभी तो बेटा वर्जन में है, वो तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा नहीं, वो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिला दूंगा, आप स्क्रीन पे उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। आप जहाँ पे माय ऐप्स एंड गेम्स लिखा के जो आता है आपका, जो गूगल प्ले खोलते हैं और लेफ्ट साइड में ऐसे रहता है, फिर उसको टच करके माय ऐप्स एंड गेम्स का जो टैब रहता है ना उसको करते हैं तो फिर चेकिंग फॉर अपडेट्स ऐसे करके आता है, फिर इधर इंस्टॉल, फिर उसके बगल में लाइब्रेरी करके आता है ना, तो उसमें माय ऐप्स एंड गेम्स को आप खोलिएगा ना तो उसमें रहेगा मैनेज ऐप्स एंड गेम्स, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे नीचे में एक रहेगा कि शेयर ऐप, तो उससे आप डायरेक्ट शेयर पर क्लिक करके ऑफलाइन आप उसको शेयर कर सकते हैं अपना दोस्त का, भाई का, या जिससे भी आप शेयर करना चाहते हैं। कोई इंटरनेट का प्रोसेस नहीं, जैसे शेयरिट में आप शेयर कर देते उसी तरह आपको शेयर कर देना बस, और कोई भी अलग से ऐप डाउनलोड नहीं करना है। सब में तो प्ले स्टोर, हर एंड्रॉयड फ़ोन में तो प्ले स्टोर पहले से ही दिया ही जाता है सारे में, तो उसमें भी प्ले स्टोर रहेगा ही, इसमें भी प्ले स्टोर रहेगा ही, बस इस पर इधर से सेंड का बटन क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करके सेंड का बटन क्लिक करना है, और उधर शेयर पे क्लिक करके रिसीव का बटन क्लिक करना है। बस इधर से आप सेंड कीजिएगा, उधर से रिसीव किया जाएगा, बस तुरंत आप उसमें इंस्टॉल कर लीजिए और मज़ा उठाइए। कोई ब्लोटवेयर, कोई ऐड का लफड़ा चक्कर नहीं, जैसे शेयरिट में कितने सारे ब्लोटवेयर ऐड एक बार आप खोलते थे, अगर आपका डाटा ऑन पकड़ा गया तो सारा डाटा चूस लेता था, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, एक एक GB खा चुका है। तो अब बात करते हैं कि ये जो ऑप्शन हमारा है वो अवेलेबल हमें कब होगा। तो ये अवेलेबल मुझे लगता है 7-10 दिन के अंदर ये अवेलेबल हो जाना चाहिए, फिर आप जो भी ऐप डाउनलोड किए हुए हैं शेयर मी शेयर टू वो सब हटा दीजिए। वैसे तो गूगल का एक बहुत ही अच्छा ऐप गूगल फाइल्स तो हमारे पास है ही, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं या जितने जानकार लोग हैं सारे गूगल फाइल्स ही यूज़ करते हैं, वो ब्लोटवेयर ऐड वाले थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करते, उससे हमारा डिवाइस का सिक्योरिटी वो रिस्क पे चला जाता है। तो गूगल फाइल्स भी एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन अलग से उसको डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन इसमें तो अंदर में ही सारा फीचर है, तो आराम से गूगल फाइल्स वगैरह अगर आपको रखना है उसको अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो तो रख सकते हैं, नहीं तो अनइंस्टॉल कीजिए गूगल फाइल्स भी और डायरेक्ट आप इसका मज़ा उठा सकते हैं, बस 7-10 दिन की देरी है। तो अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।